हेलो, मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम न्यूक्लियर एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स का सेकेंड यूनिट में एक टॉपिक है न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन, ये के बारे में पढ़ेंगे। और नाभिकीय संलयन हम जानते हैं, जब दो हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे उस प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं या न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन से जो प्राप्त नाभिक होता है वो दो हल्के छोटे नाभिक मिलके एक बड़ा नाभिक बना करते हैं, और संलयन क्रिया से प्राप्त नाभिकों का द्रव्यमान संलयन करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। इस प्रकार के नाभिक के द्रव्यमान से हुई क्षति यानी उसके जो द्रव्यमान में जो क्षति हुई है वो द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत के अनुसार यानी आइंस्टाइन के द्रव्यमान सिद्धांत के अनुसार वो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। नाभिकीय संलयन एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इस कारण जब नाभिक संलयन करने वाले नाभिकों को इतना निकट लाया जाता है कि उनके मध्य कारित वैद्युत जो इलेक्ट्रिकल रिपल्शन जो बल है को नियंत्रित में रखकर नाभिक के अन्योन क्रिया कराई जा सके। इसके लिए नाभिकों के लिए हम कहते हैं कि प्रारंभिक गतिक ऊर्जा बहुत अधिक 0.1 MeV होनी चाहिए। इसके इतनी ऊर्जा देने के लिए अति उच्च ताप की यानी बहुत ताप यानी 10^7 से लेकर 10^8 कोटि तक के ताप की ज़रूरत होती है। साधारणतः जैसे हम फॉर एग्जांपल लें कि मान लो हम एक भारी हाइड्रोजन तत्व अथवा ड्यूटेरियम के दो नाभिकों से संलयन क्रिया कराएं तो हमारे पास निम्न समीकरण से देता है और हमें 5 MeV की ऊर्जा प्राप्त होती है। अच्छा, ड्यूटेरियम नाभिक को पूर्ण ड्यूटेरियम से संयुक्त होकर बनाते हैं तो हमारे पास 17.6 MeV होती है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दूँ तो ड्यूटेरियम के तीन नाभिक में संलयन होकर एक 2He नाभिक का निर्माण करते हैं, इससे 26.1 MeV ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब ये अगर हम ये देखें कि उपरोक्त संलयन प्रक्रिया से विखंडन से प्राप्त 200 MeV अगर हम इसको कंपेयर करें विखंडन ऊर्जा से तो ये 200 MeV से बहुत कम है। लेकिन अगर हम प्रति किलोग्राम से प्राप्त ऊर्जा और इसके प्रति किलो से गणना करें तो ये पाते हैं कि एनर्जी जो ऊर्जा जो रिलीज होती है वो इसकी 4.2 गुना अधिक होती है। अगर मैं ये सारा कैलकुलेशन जो आपको इस शीट में दिखा रहे हैं कि ये तो मैंने देखा या आप ये कह सकते हैं कि इसमें तो 21.6 MeV ऊर्जा हुई जबकि विखंडन में 200 MeV, मगर हमने कंपैरिजन किया कि अगर 1 किलोग्राम ऊर्जा का मैं लूँ तो 1 किलोग्राम की ऊर्जा से करने के बाद ये देखते हैं कि प्रति ग्राम जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो 34.6 है और 1 kg ऑफ ड्यूटेरियम से करते हैं तो इतनी होती है। और इन दोनों को कंपेयर करें तो 1 किलो और उसका भी 1 किलो पदार्थ लें तो ये पाते हैं कि इसकी 4.2 यानी फ्यूजन से प्राप्त ऊर्जा है वो 4.2 किलो गुना अधिक है। इसी तरह मैं इसका न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन के रिएक्शन को कंपेयर या उनके बीच में अब समानताओं या उनके कुछ गिनताओं का नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के मैंने दो अलग अलग कॉलम्स बना रखे हैं। अब फ्यूजन में देखते हैं कि इसमें अपार मात्रा में ऊर्जा होती है मगर फ्यूजन रिएक्शन में इससे फ्यूजन से कई गुना ज़्यादा ऊर्जा लिबरेट होती है। इसमें एक भारी नाभिक दो छोटे छोटे नाभिकों में जो करीब के बराबर हैं उसमें निकलता है जबकि संलयन में दो हल्के नाभिक मिलकर एक बड़ा अपेक्षाकृत अधिक मात्रा का नाभिक बनाता है। ये अभिक्रिया न्यूट्रॉन द्वारा विखंडन के से संपन्न होती है। ये दो छोटे हल्के नाभिकों को
मिलाकर बन से संपन्न होती है। ये प्रक्रिया इन्फ्यूज़न जो है ये सामान्य ताप पर पॉसिबल है, जबकि फ्यूजन के लिए बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होती है। प्रति नाभिक इसमें 200 MeV ऊर्जा होती है, जबकि इसमें प्रति नाभिक 66.7 MeV प्रति न्यूक्लियॉन ऊर्जा उत्पन्न होती है। विखंडित फिशन विखंडन को हम नियंत्रित कर सकते हैं, जबकि फ्यूजन को विखंडित नहीं कर सकते। ये तो हमारे पास इन दोनों के प्रति दोनों के अंतर था। और अब ये पाया गया था कि एनर्जी जो हमारे को जो सन और का है उसकी एनर्जी किसके कारण है। वैज्ञानिकों ने ये निष्कर्ष निकाला था कि जो हमारे समीप सबसे पहले जो समीप तारा है यानी सन भी एक तारा ही है, उसकी जो उसके करोड़ों वर्षों से 4.4×10^26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा का विकरण का उत्सर्जन कर रहा है, जबकि तब भी सूर्य के ताप में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। रासायनिक प्रक्रियाओं या ग्रेविटेशनल फोर्स से इतनी ऊर्जा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका नाभिक रासायनिक क्रियाओं में बहुत कार्बन होता है, कार्बन है तो उतनी अधिक ऊर्जा नहीं होती, और गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा भी के कारण भी नहीं हो सकता, क्योंकि दो जो मास हैं वो इतने भारी नहीं हैं कि उनका हो सके। अतः ये पाया गया था कि प्रति फिर सभी रिएक्शन के अध्ययन से ये व्यक्त की जाती है कि सूर्य की ऊर्जा अपार स्रोत की वाक्य हल्के नाभिकों का संलयन करके ऊर्जा का प्राप्त होती है। ये कल हम ये जानते हैं कि जो सूर्य है उसका करीब लगभग 90% अंश हाइड्रोजन तथा हीलियम के है तथा शेष 10% अन्य तत्व हैं। इसके मध्य में कार्य प्रबल विद्युत प्रत्याक्षण बल को पार कर इतना परम ताप पास लाया जाए कि उनके बीच नाभिकीय अन्योन्य क्रिया प्रभावी हो सके। इसके लिए नाभिकों का प्रारंभिक ऊर्जा बहुत अधिक 0.1 MeV से अधिक होनी चाहिए, और ताप संभव और ये तभी संभव है जब इनका ताप 10^7 से लेकर 10^Kelvin की कोटि का हो। चूँकि सूर्य के भीतरी भाग का ताप 1.5×10^5 kg है, इसलिए सूर्य के ताप में नाभिकीय क्रिया स्वतः होती हैं तथा इसके अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रकार अपार मात्रा में प्राप्त ऊर्जा को सूर्य द्वारा उत्साहित ऊर्जा का स्पष्टीकरण हो जाता है। इसलिए हमें ये बताइए ज़्यादा क्या है कि बेथ ने ये कहा है कि हमारे पास इसके अंदर दो तरह की साइकिल्स पॉसिबल हैं, जिसको हम कार्बन नाइट्रोजन तथा प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल कहते हैं। अमेरिका बेथन ने ये प्रस्तावित किया कि तारकीय ऊर्जा तथा ताभिक नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होती है, जिसमें 4 प्रोटॉन हाइड्रोजन नाभिक 1 हीलियम नाभिक से सीधे संयत न होकर कई ताप नाभिक प्रक्रियाओं के द्वारा चक्र द्वारा संपन्न होते हैं तथा इसमें कार्बन नाइट्रोजन उत्सर्जक का कार्य करता है। इस प्रक्रिया में 6 अभिक्रियाएं होती हैं जो मैंने इसके अंदर 6 अभिक्रियाएं जो इसके अंदर इस इक्वेशंस के द्वारा और इस फिगर के द्वारा आपको बताई है। इस प्रकार एक पूरे हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन में 4 प्रोटॉन संलयित होकर 1 हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं तथा इसके साथ 2 पॉजिट्रॉन व 24.68 mA ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ये दोनों पॉजिट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ विलोपित हो जाते हैं और होकर 2 ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं तथा इस प्रकार के कुल 26.7 ऊर्जा उत्सर्जित होती है। नए नाभिकीय आंकड़ों के द्वारा ये ज्ञात होता है कि उपरोक्त कार्बन नाइट्रोजन प्रक्रिया केवल उच्च ताप पर संपन्न होती है, परंतु स्वयं का ताप अंत ताप तारों से लगभग 2.7°K है, जिस जो बहुत अन्य तारों के ताप से बहुत कम है। तो ये कहा गया है कि सूर्य में एक इसमें ये कार्य
कार्बन नाइट्रोजन प्रक्रिया होना ज़रा संभव नहीं है। तो इस सूर्य में अन्य एक प्रचक्रीय समान अधिक होती है जिसे प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल क्या है। प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र में कई ताप अभिक्रियाएं के कारण प्रोटॉन संलयित होकर हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, परंतु ये चक्र का परिणाम भी ठीक वही आता है जो कार्बन नाइट्रोजन का आता है। इस चक्र में अभिक्रियाएं में इस डायग्राम से और इस ये एक डायग्राम है इससे और इन अभिक्रियाओं को इससे समझाते हैं, है ना। इसमें ये देखते हैं कि प्रोटॉन में कैलकुलेशंस करते हैं तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इसके बाद ताप इतना होता है और इसको कैलकुलेशंस अगर करें तो हमारे पास ये प्रक्रिया संपन्न हो जाती है कि लगभग, और ये बताया जाता है कि इसका ताप वर्तमान में पॉसिबल है। हम ये जानते हैं कि 4.1026 जूल प्रति सेकंड से ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। इतनी ऊर्जा उत्सर्जन करने के लिए सूर्य लगभग 4×10⁻⁹ किलोमीटर किलोग्राम की दर से द्रव्यमान खो रहा है। ये हम इसको खो रहे हैं, परंतु कम होने वाले द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 5×10⁻²० गुना अधिक है। आकलन द्वारा ये प्रदर्शित किया जा सकता है कि इस दर से सूर्य की समस्त हाइड्रोजन 3×10⁻¹० वर्षों में हीलियम में परिवर्तित हो जाएगी और इसको लिए 10 वर्षों 10 अभी तक हमारे पास वाक्य से आकर अगर ये वर्तमान दर से उत्सर्जित करें तो ये नाभिकीय संलयन के बारे में हमारे पास कुछ तौर। और हम कहते हैं कि सूर्य में ऊर्जा या तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय विखंडन ना होकर नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। थैंक यू वेरी मच।